राम गोपाल मिश्रा पे नहीं, ये सनातन के ऊपर उन्होंने गोली चलाया है। इसमें मुंहतोड़ जवाब योग, ये सब नहीं डीजे बजा रहे, बारह उपहात में ये तलवार भांजते हैं, तो कोई हिंदू नहीं कोई पथराव गए, कहीं सुनाई नहीं दिया। ये जब दुर्गा पूजा निकलता है बार बार पथराव, ये बार बार मूर्तियां तोड़िए नानपारा में, इसके 13 तारीख के पहले नहीं, इसके 7-8 तारीख में इन्होंने मूर्तियां तोड़ दी है ना। राम गोपाल मिश्रा ने कोई गलत नहीं किया, ये समस्त हिंदुओं को यही करना चाहिए, जब एक बार में वो वार करें तो समस्त हिंदू इकट्ठा होकर के वार करना चाहिए। 13 अक्टूबर को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल होता है, और बवाल की शुरुआत कहां से होती है वो प्रत्यक्षदर्शी बताएंगे। हमारे साथ कुछ महाराज लोग जी मौजूद हैं, जो ये लोग वहां पर थे मूर्ति विसर्जन के दौरान, जो पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है उसको पूरा करा रहे थे, और फिर मूर्ति विसर्जन का प्रक्रिया चल रहा था, लोग मूर्ति को लेकर जा रहे थे। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ के बारे में, सब कुछ ये सच बताएंगे कि आखिर विवाद कहाँ से शुरू होता है और अंजाम फिर यहाँ तक कैसे पहुँच जाता है। वहाँ पर मैं पूजा करा रहा था और वहाँ बहुत अच्छा से विधि विधान से पूजा चल रहा था, और उसके बाद में विसर्जन 13 तारीख को वहाँ पर कराया गया। उसके बाद में शांति से नहीं गाना बज रहा था, भजनों के माध्यम से लोग गीत बज रहे थे, आराम से हो रहा था। मुस्लिम मोहल्ला वहाँ पर मिला, वहाँ पर इन्होंने लोग थोड़ा सा गाने पर इनको अच्छा नहीं लगा, उसके सभी के ऊपर हमारे जितने भी माता भक्त प्रेमी जन के ऊपर ये लोग पथराव किए। उसके बाद में बड़े बड़े झंडा फहरा रहे थे लोग माता भक्त प्रेमी जन, उनको ये पहले फाड़े, तो वही एक व्यक्ति हिंदुत्व को जगाने के लिए वो ऊपर चढ़ करके उनके ध्वजा को फाड़ा, उसके बाद में हनुमान जी का झंडा उनके छतों पे गाड़ा। तो कौन सा गलत किया ये हमको बताइए। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया राम गोपाल मिश्रा ने, लेकिन यहाँ पर हिंदू समस्त हिंदुओं को सपोर्ट करना चाहिए। आज एक राम गोपाल नहीं मारा गया, मतलब कि समस्त सनातनियों के जितने हिंदू था वो सब लोग मारे गए, यहाँ पर समस्त लोगों को खड़ा होना चाहिए था। शुरुआत कहाँ से हुई? आप बता रहे हैं कि झंडा वो लोग पहले फाड़ते हैं जी, जब ये मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं तो झंडा हिंदू धर्म का फाड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें तो सामने नहीं आई। सामने वो चीज़ आती है राम गोपाल मिश्रा जाते हैं छत पर चढ़ते हैं और विशेष समुदाय का यानी मुस्लिम समुदाय का वो झंडा खींचते हैं, और उसके बाद फिर बजरंग बली का जय श्री राम का झंडा वहाँ लगाते हैं। देखिए जो पहले वीडियो, जिसे पहले का जो मामला लोगों के बीच में नहीं आप लोगों को पता चला है, उसमें यही हुआ है कि आराम से हिंदू यही चाहता है, कोई सनातन धर्म का हिंदू आराम से मूर्ति जा रही थी, लेकिन इन्होंने जब गाना बजा तो इनको बहुत बुरा लगा, और पहली बार झंडा बहुत तेज़ी से इन्होंने खींच करके उसको फाड़ा। ये आपको वीडियो नहीं मिला, वहाँ पर मौजूदा लोग थे जो लोगों को नहीं मिला, तब उन्होंने कभी हिंदू ये नहीं चाहा कि किसी अदर कास्ट मुस्लिम का झंडा कभी फाड़ा। जब उन्होंने फाड़ा और हिंदुओं पे पथराव किया, तब उन्होंने एक राम भक्त एक माता भक्त ने चढ़ कर करके उनके ध्वजाओं को फाड़ा, उनके जो मुस्लिम कास्ट का झंडा था उन्होंने तब फाड़ा, ऐसा नहीं है। अब वो वीडियो खाली उन्होंने दिखाया, और कौन सा गलत किया उन्होंने, गलत किया तभी वो किया, कभी हिंदू कभी उनके साथ में, वो तो कहता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हमारे चारों भाई हैं, लेकिन मुस्लिम तो ये कहता नहीं है कि हिंदू हमारे भाई हैं, भाई वो तो कहता हमारे मुस्लिम खाली भाई हैं, वो तो मुस्लिम के नाते वो सब है। हिंदू वहाँ देखता है तो हिंदू को उनको जलन होती है, मुस्लिम लोगों को जलन होता है कि ये सब इतना भव्य ले जा रहे हैं, इसी पे इनका सबका विद्रोह करा जाए, और इनको अलग अलग प्रक्रियाओं से वो किया गया, और ये सब बिल्कुल लाठीचार्ज करवाए, और वहाँ पर प्रशासनिक ने भी गलत किया। राम गोपाल मिश्रा ने कोई गलत नहीं किया, ये समस्त हिंदुओं को यही करना चाहिए, जब एक बार में वो वार करें तो समस्त हिंदू इकट्ठा होकर के वार करना चाहिए। और ये मामला यहाँ से नहीं, ये मामला बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ है, जो बांग्लादेश में मुसलमान आतंक कर रहे हैं उन्हीं को देखकर यहाँ के मुसलमान भी आतंक करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये बांग्लादेश नहीं है, भारत है, भारत है। यहाँ पे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये बांग्लादेश नहीं है, वहीं से ये लोग देख कर वहीं से कारनामा शुरू करना शुरू कर दिए, देख देख कर ये लोग यहाँ पे भी अपना अराजकता फैला रहे हैं, इसमें इनको बख्शा नहीं जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और समस्त हिंदू जग चुके हैं, पहली बात जानिए बस हिंदू जग चुके हैं, और अब ये बांग्लादेश वो ना समझ लें, यहाँ पर भारत है, यहाँ भारत एकता का प्रतीक है, और यहाँ समस्त हिंदू जगे हुए हैं, एक हाथ में माला और एक हाथ में शास्त्र पढ़ाते हैं, और एक हाथ में मुंह तोड़कर तलवार से जवाब देने के लिए समस्त हिंदू अब खड़े हुए हैं भारत में। और राम गोपाल मिश्रा पे नहीं, ये सनातन के ऊपर उन्होंने गोली चलाया है, इसमें मुंह तोड़ जवाब योगी सरकार की बुलडोजर चलेगी, और योगी सरकार की बुलडोजर नहीं, हिंदुओं की समस्त इकट्ठा होकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा,
यदि प्रशासनिक आदेश नहीं देता है बुलडोजर चलाने के लिए, तो हम सब स्वयं बुलडोजर लेकर उतरेंगे और उनके समस्त जो महसी में कांड हुआ है, समस्त घरों पर मुसलमानों के घरों पर जो वार करेगा हिंदुओं पर, समस्त घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, ये जरूर किया जाएगा। लापरवाही किसकी मानते हैं वहाँ पर? हालांकि वहाँ पर प्रशासन भी पूरे तरीके से मौजूद थी, लेकिन ये चीज़ें जब सामने होती रही, रामगोपाल मिश्रा छत पर चढ़ते हैं, झंडे को तोड़ते हैं, झंडे को लगाते हैं और उसके बाद फिर रामगोपाल को गोली मारी जाती है, तो उस दौरान क्या प्रशासन इस चीज़ को देख नहीं रही थी? क्योंकि ये चंद सेकंड में तो हुआ नहीं, कुछ वक्त लगा इन चीज़ों को होने में, तो क्या प्रशासन इन चीज़ों की पर नज़र नहीं थी? प्रशासन की बिल्कुल नज़र थी और प्रशासन की थोड़ी लापरवाही थी और थोड़ा उन्होंने मिला और तुरंत योगी सरकार की जितने बड़े अधिकारी थे उनको तुरंत सस्पेंड किया गया, उनको हटाया गया वहाँ पर, नई तरीके से नई रणनीति से वहाँ फोर्स उतारी गई। वहाँ लापरवाही बिल्कुल फोर्स की थी भाई, वो उन्होंने पहले पथराव किया वहीं पर उनको जवाब देना चाहिए, वहाँ फायरिंग करना चाहिए उनके समस्त मुसलमानों के ऊपर जो किए, लेकिन वहाँ पे थोड़ी लापरवाही फोर्स की मानी जाएगी बिल्कुल। और वहाँ हिंदू कोई गलत नहीं किया है, वो अपना डीजे बजा रहे थे, ये सब नहीं डीजे बजा रहे, 12 अफात में ये तलवार भांजते हैं, तो कोई हिंदू नहीं, कोई पथराव गए कहीं सुनाई नहीं दिया। ये जब दुर्गा पूजा निकलता है बार बार पथराव, ये बार बार मूर्तियाँ तोड़िए नानपारा में, इसके 13 तारीख के पहले नहीं, इसके 7-8 तारीख में इन्होंने मूर्तियाँ तोड़ दी है नानपारा में, आप लोग को सूचना नहीं मिला है? वहाँ नानपारा में मूर्तियों को तोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ के डीएम बहुत अच्छे थे, वहाँ तुरंत कम से कम 100 लोगों पर मुकदमा चला है और मुँह तोड़ जवाब प्रशासन दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक जो लोग वहाँ पे थे वहाँ मिले थे उन मुसलमानों पर, और वो दिन दहाड़े बताइए रिवाल्वर लेकर पिस्टल लेकर वहाँ पर क्लिप दिखाया गया, आप लोगों ने दूरदर्शन के माध्यम से वहाँ पर दिखाया गया, पिस्टल दिखा रहा है, वहाँ प्रशासनिक क्यों नहीं गोली चलाई भाई? वहाँ पर हिंदू क्यों, जब प्रशासनिक हिंदू नहीं चलाया तो वहाँ पर हिंदू को, अब आप ये जान लीजिए जब प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो हिंदू क्या चूड़ियाँ पहनकर बैठा रहेगा? वहाँ तो मुँह तोड़ जवाब देना ही देना पड़ेगा, इसीलिए रामगोपाल मिश्रा ने वहाँ पर जब देखा कोई नहीं कर रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, तो उन्होंने छड़ करके उन झंडाओं को फाड़ा और अपनी सनातन की ध्वजा को लहराया, कोई गलत नहीं, और वो अमर शहीद हुए हैं, कोई गलत काम नहीं किए हैं और उनको ये बड़े पुरस्कार दिया जाएगा। और मैं रामगोपाल मिश्रा के समस्त परिवारों के साथ में हूँ और मुँह तोड़ जवाब जो रामगोपाल मिश्रा के साथ जो लोग किए हैं उनको मुँह तोड़ जवाब समस्त हिंदू देगा और दे रहा है और चल रहा है मामला। विपक्ष के कुछ नेता हैं ये कह रहे हैं कि इस तरीके के हालात ही ना क्रिएट हों, अगर इस तरीके की चीज़ें जहाँ जिस रास्ते पर लग रहा है कि इस तरीके की दंगे हो सकते हैं, इस तरीके की बवाल हो सकती है, उस रास्ते से इनकी जो यात्रा होती है हिंदुओं की वो ना निकाली जाए, मूर्ति विसर्जन हो या फिर कोई इस तरीके की यात्रा हो, कहते हैं कि ऐसे हालात ही नहीं पैदा भाई। विपक्ष के माननीय अखिलेश यादव जी को मैं कहना चाहता हूँ, क्या 12 अफात में हिंदू का घर नहीं पड़ता है क्या भाई? हिंदू का भी तो घर पड़ता होगा, तो हिंदू नहीं कोई पत्थरबाजी करता मुसलमानों के ऊपर? क्यों मुसलमान हिंदू के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये गलत है, समस्त जगहों पे होना चाहिए और हिंदू कहीं नहीं मुसलमानों के ऊपर पत्थरबाजी करता। 12 अफात होता उनके समस्त पर्व में, नहीं पता क्यों भाई हिंदू के ऊपर पत्थरबाजी कर रहा है? वहाँ पे रास्ता पे ना जाए, वो चूड़ियाँ पहनकर अंदर रामलीला करें, अपने घर में बैठ करके रामलीला करें, मूर्ति विसर्जन ना करें, अपने गड्ढा खोद करके पानी भरकर वही मूर्ति अपने घर पर विसर्जन करें, ये कौन सी लड़ी? पहली बात माननीय अखिलेश सिंह यादव से मैं कहना चाहता हूँ, वो विपक्ष जो है वो पहली बात वो स्वयं कालनेमी है, वो कालनेमी रंग बदलते थे, तो उनका मर्दन हनुमान जी ने किया था, तो भगवान राम जी अवतरित हो गए हैं और सब जगह उनकी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो धीरे धीरे कारनामा शुरू होगा, उनकी लुटिया स्वयं डूब चुकी है अखिलेश जी का। तो कहते हैं कि हमको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, हिंदू वोट बैंक हमको चाहिए ही नहीं, तो भाई वो मुस्लिम को लेकर चले तो मुस्लिम का पक्ष बोलवे करेंगे। इस मामले में सियासत भी हो रही है, बिल्कुल सियासती हो रही है, उसमें होना ही नहीं चाहिए सियासती, उसमें तो खाली ये होना चाहिए सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता, समस्त लोगों का सम्मान करता है, या तो हम तो समस्त मुस्लिम को मान को अपनाते हैं, लेकिन वो सब मुसलमान चाहते ही नहीं है कि ये हिंदू को मैं सब अपनाएं, पहली बात। इसीलिए वहाँ सियासी इसमें नहीं होना चाहिए, सनातन के ऊपर गोली चली है, इसीलिए सब विपक्ष को पक्ष को माननीय योगी से मैं मांग करता हूँ कि जो रामगोपाल मिश्रा है न्याय मिलना चाहिए, उनको उचित कार्रवाई करना चाहिए और जो गोली चलवाए हैं उनको
फायरिंग पैर पे नहीं उनके सीने पे हजार छर्रे की गोली उतारा जाए, जब हमारे से सीना कलेजा शांत होगा। नहीं तो हिंदू पिस्टल लेकर नहीं अनेक अनेक शस्त्रों लेकर ये देश में उतरेगा, तब वो मामला देखा जाएगा। तो और माहौल खराब हो जाएगा, जब बदले की भावना से काम होगा तब तो देश में माहौल खराब हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया है, जो एनकाउंटर हुआ दो लोगों का, उसमें दो आरोपियों का पैर में गोली लगी, पकड़ा गया उनको। जब हमारा मानना नहीं होगा, जब उनको दो महीने के बाद छोड़ दिया जाएगा या उनका कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तब हिंदू क्या वो बार बार अनेकों राम गोपाल मिश्रा को मारेंगे क्या? हम सब बैठे रहेंगे क्या? हम सब भी तो अपना एक पिस्टल लेकर या कोई हथियार लेकर दौड़ेंगे जरूर। और ऐसा शांत रहे, वो बांग्लादेश न समझ लें कि घुटने टेक कर करके नमाज पढ़वाएंगे। यहाँ सनातनी हैं हम सब लोग, और यहाँ सनातनी जगे हुए हैं, यहाँ उनको हम पाठ पढ़ाएंगे राम का, वो मुसलमान का क्या पाठ पढ़ाएंगे? यहाँ घुटने टेकने वाले हिंदू नहीं है। यहाँ तो 5,000 लोग मारे गए थे, यहाँ 5,00,000 शहादत हुई थी राम जन्मभूमि। तो यहाँ सब हिंदू मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने सनातन का झंडा मरते दम तक नहीं झुकने देंगे। लेकिन अभी राम गोपाल मिश्रा का कांड हुआ, लेकिन यही पर न्याय नहीं मिलेगा, समस्त हिंदू जग करके वार करेगा। कानून को हाथ में लेने की आप बात कर रहे हैं, सबको उकसा रहे हैं, ऐसे तो माहौल बिगड़ सकता है ना। तो वो कौन सा शांति का प्रतीक हमको दे रहे हैं भाई? इतने छर्रे मारे उनके, राम गोपाल मिश्रा को गोली मारा गया, वो कौन सा माहौल शांत करा रहे हैं क्या? वो तो भ्रम, कानून नहीं था क्या? उनके लिए कानून भी था ना। सठम साठम समाज का भावना रखते हुए हम लोग जैसा को तैसा का आप उत्तर देंगे। अब कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, ऐसा हमारा लोग का मानना है, हमारे सभी हिंदुओं का।